क्या आईटीसी के शेयर हमको इस वक्त बाय कर लेने चाहिए? क्या ये एक बहुत अच्छा समय फिर से आ गया है जब आईटीसी फिर से बूम दिखाने वाला है? क्या बहुत तेजी से आईटीसी में एक उछाल आते हमको दिख सकता है? क्या यहाँ हमको 50 से 60% के आसपास रिटर्न बहुत जल्दी दिख सकता है? जिस तरीके से वैल्यू गिर रही है, क्या हमको इसमें और एंट्री लेनी चाहिए, अपने स्टेक इसमें और बढ़ा देनी चाहिए? तो चलिए सारी चीज़ें वीडियो के अंदर बात करें, और चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आईटीसी में हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए ताकि हमारा प्रॉफिट और बढ़ जाए। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम यू टू टेक्निकल बुल चैनल। और आज मैं आपका होस्ट बात करने वाला हूँ आईटीसी शेयर के ऊपर कि आईटीसी शेयर में हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए ताकि प्रॉफिट अब मैक्सिमम हो सके। क्या आईटीसी में एक बहुत बड़ा एंट्री पॉइंट हमको दिख रहा है जहाँ पे एंट्री लेते ही बहुत बड़ी उछाल देखने मिल सकती है आईटीसी में? क्या इस वक्त हमको और स्टेक आईटीसी में बढ़ा देना चाहिए? सारे चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक चीज़ बोलना है, अगर आपने अभी तक टेक्निकल बुल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से सब्सक्राइब करिए। हमारा 7K सब्सक्राइबर का एम है, तो फटाफट से उसके पास पहुँचा दीजिए हमको। और चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आईटीसी में अब स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए हमारी और क्या न्यूज़ निकल के आ रही है आईटीसी से। तो जैसा कि आपने देखा था पिछले फ्राइडे सेशन में आईटीसी बहुत डाउन किया था जिसके वजह से सबको डर लग रहा था, लेकिन उसने बाद में एक ऐसा सिंबल दिखाया, मैं सिंबल पे जूम आउट करता आप ये देख सकते हो, ऐसा सिंबल दिखाया जिससे ऐसा लग गया कि आईटीसी में बहुत बड़ी उछाल आने वाली। फिर वो न्यूज़ एक आया जिसकी वजह से एक और चीज़ पता चल रही कि आईटीसी में बहुत तेजी ऐसे बहुत बड़ी उछाल आने वाली है और कई सारे लोग इसमें आईटीसी में इस वक्त स्टेक बढ़ाने का सोच रहे हैं। आपको तो पता ही है कि आईटीसी क्या है। आईटीसी एक एफएमसीजी का बहुत बड़ा, एफएमसीजी सेक्टर में बहुत बड़ा नाम है। और आप देख रहे हैं कि आईटीसी ने पिछले फ्राइडे सेशन में एकदम अपनी बेस वैल्यू छू के एकदम तेजी से अप जाते हुए हमको दिखा था, जिससे हमको संकेत मिल चुके कि आईटीसी में एक बहुत बड़ी उछाल देखने मिलने वाली है। और हुआ भी यही, एक बहुत बड़ी न्यूज हमको आते हुए दिखी जहां पे पता चला कि आईटीसी में एक बड़ी उछाल देखने मिल रही है और इन्वेस्टर इसमें अपना स्टेक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आईटीसी अब अंडर वैल्यूड हो चुका है, जितने उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी उससे कम दिख रहा है आईटीसी। तो इन्वेस्टर भी अभी अपनी स्टेक बढ़ाने का सोच रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, सॉरी अगर आपको फोटो क्लियर नहीं दिख रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं, डाइवर्सिफाइड एंटिटी आईटीसी लिमिटेड ऑन फ्राइडे से इंक्रीज इट्स स्टेक इन स्टार्टअप टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड टू 20.6%। आप ये नंबर देखिए, 20.6% के स्टेक इंक्रीज हो गए हैं और अब उनके एक्वायर स्टेक हो चुके 33.42% के आसपास अब उनके एक्वायर्स हो गए हैं। और वहीं आप देख रहे हैं कि इतना, सॉरी इधर जूम प्रॉब्लम हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पे डील हुआ है, तो जिससे लग रहा है कि आईटीसी फिर से उछाल मारते दिख सकता है। और आप यहाँ देख सकते हैं आईटीसी कंटिन्यू टू अंडर रिफॉर्म बट एनालिसिस से द स्टॉक इज अट्रैक्टिव। आप यहाँ देख रहे हैं कि आईटीसी अभी अंडर वैल्यू जा चुका है और तभी भी एनालिस्ट कह रहे कि इसको और बाय करना चाहिए क्योंकि ये इस वक्त अट्रैक्टिव है और आगे आने वाले टाइम में बहुत तेज़ी से हमको उछाल तेज़ी से यहाँ पे हमको एक उछाल देखने मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं कितने परसेंट एनालिस्ट फोरम में बोल रहे हैं कि इसको होल्ड करना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं ऑलमोस्ट 76% के आसपास एनालिस्ट इस वक्त बोल रहे हैं कि इसको बाय कर लेना चाहिए, कुछ परसेंटेज बोल रहे हैं सेल करना चाहिए और कुछ बोल रहे हैं होल्ड करना चाहिए। तो अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, हमको किस लेवल पर बाय करना चाहिए और हमको अपना स्टॉप लॉस क्या बना के चलना है कि उसमें प्रॉफिट मैक्सिमम हो आईटीसी में? तो हम लोग को बाय इस लेवल पे आप कर सकते हो, लेकिन मैं एक बोलूँ कि स्टॉप लॉस इसमें आप 157 तक का लगा के चल सकते हैं। इसके आसपास आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म में आप अगर इसको लंबा खासा होल्ड करना है तब तो एक बहुत ही अच्छा टाइम है, आप लंबा खासा इसको होल्ड कर सकते हैं। तो इसको आप स्टॉप लॉस मत लगाइए, इसको होल्ड करके ही चलिए क्योंकि इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से एफएमसीजी सेक्टर को तो आपको पता है कितना बड़ा नुकसान हुआ है, एफएमसीजी सेक्टर पर बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है। इसलिए आपको ये सारे जितने भी है ये सब अंडर वैल्यू में दिख रहा है और इतने सारे इन्वेस्टर बोल रहे हैं कि इसको अभी हमको रख लेना चाहिए, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ कल हो के आ जाती आईटीसी के लिए। और कोरोना वायरस हमेशा के लिए तो नहीं रहने वाले, कभी ना कभी जाएगा, फिर आईटीसी में फिर से एक बूम आने वाला है जब सब फ्री हो जाएंगे पहले के जैसे, तो फिर से एफएमसीजी सेक्टर पे आप बहुत बड़ा बूम देख सकते हैं जो कि 3 से 4 महीने के अंदर
आपको देखने मिल सकता है। तो इसमें अगर आप शेयरिंग अगर इसके आप शेयर ले रहे हो और 3 से 4 महीने आप रुक सकते हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ITC में बहुत बड़ी उछाल एक्सपेक्ट की जा रही है बहुत तेज़ी से। और आप यहाँ आप देख सकते हो इसका मार्केट कैपिटल इस वक्त कितना हो गया ये, और यहाँ पे इसका आप PE रेशियो देख सकते हो बहुत सही है PE रेशियो इंडस्ट्री के आसपास 15% के आसपास, जो कि एक सही PE रेशियो बोला जाता है। और आप देख सकते हैं कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, तो ये कोई भी इन्वेस्टर को अच्छा लगता है कि कंपनी डिविडेंड देती है। तो ये जब बहुत कम लोग देते हैं और ये सबको पसंद भी आता है कंपनी डिविडेंड दे रही है, तो इससे इन्वेस्टर भी खुश रहता है। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकते हैं तब तो ये शेयर बहुत ही अच्छा, क्योंकि डिविडेंड भी दे रही है। और एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है कि FMCG लॉकडाउन के बाद अभी धीरे धीरे फिर से रिवाइव बैक होने की कोशिश कर रही है और आपको बहुत तेज़ी से ऊपर जाते दिख सकते हैं FMCG सेक्टर। देख सकते हैं कि कैसा अभी तक ITC ने परफॉर्म किया है। आप देख सकते हैं कि कुछ टाइम में हम लोग को ये बहुत ही नीचे जाते हुए दिख रहा है, आप देख रहे हैं कितना तेज़ी से नीचे गया है। तो इसका तो रीज़न आपको पता है कि ये FMCG सेक्टर कोरोना वायरस ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है और अब सबको तो पता ही है कि ये कभी ना कभी ख़त्म होगा। और यहाँ पर बहुत बड़े दिग्गज इन्वेस्टर अब आ रहे, तो हो सकता है आपको इस लेवल पे आने पे आपको इस लेवल के बाद हो सकता है कि बहुत तेज़ी से आपको उछाल देखने मिल सकते हैं। यहाँ से बहुत तेज़ी से आपको फिर से उछाल देखने मिल सकता है शेयर प्राइस में और ये बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है। आपको विद इन टू थ्री मंथ्स के अंदर आपको जो अभी 176 पे ट्रेड होता है दिख रहा है, ये आपको 240 से 250 के बीच में ट्रेड होता दिख सकता है 2 महीने के अंदर ही अंदर, क्योंकि अभी धीरे धीरे कोरोना सही होगा तो ये FMCG सेक्टर बहुत तेज़ी से ऊपर जाने वाला है। और ITC तो आपको पता है क्या नाम है FMCG में इसका, मैं खुद पर्सनली इसके प्रोडक्ट बहुत यूज़ करता हूँ, इसलिए ITC तो बहुत ऊपर जाने वाला है। और आज की बात कर ले, आज अभी तक क्या हुआ है, ये ओपन हुआ था 177.5 के आसपास 55 के आसपास और फिर उसने हाई मारा, ऊपर गया था 177.95 पे। फिर आप यहाँ देख सकते कौन सी कैंडल फॉर्म हो गई, यहाँ आप देख सकते जिसकी वजह से इसने ये लो चले गया और पहुंच गया 176.10 के आसपास पे। तो ये कैंडल की वजह से ये ऐसा हुआ है। और हो सकता है जैसे फ्राइडे सेशन पे हुआ था कि अचानक से फिर से एक ये वाला कैंडल बन जाएगा, हो सकता है आज के एंडिंग सेशन में भी ऐसा हमको बनते हुए दिख सकता है। अगर आपको हमारी ये छोटी सी मेहनत एनालिसिस पसंद आई है तो आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके बता दीजिए कि हम ITC को होल्ड कर लंबे समय तक के लिए होल्ड करें, ताकि जो अदर लोग हैं जो हमारे थाउजेंड्स ऑफ व्यूवर्स और देखते हैं उनको ये पता चले कि आप ITC होल्ड कर रहे हैं। जो टेक्निकल बुल चैनल दिख रहा है इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ITC में क्या स्ट्रेटेजी रहे उससे मिस ना हो पाए। आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको ITC से रिलेटेड स्ट्रेटेजी पता चलते रहे टाइम टू टाइम। जो बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए, ऐसा ना हो कि मैं स्ट्रेटेजी बताऊँ और आपने मिस कर दिया। तो ये बेल आइकन आपको बार बार याद दिलवाएगा कि हाँ ITC में क्या स्ट्रेटेजी नहीं चाहिए। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।